गीता के 8वें अध्याय पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, हे पुरुषोत्तम कर्म किसे कहा गया है, अधिभूत संसार में क्या है और अधिदेव किसे पुकारा जाता है, अधियज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस देह में शरीर में अधियज्ञ क्या है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियत आत्म भी। संसार से इस शरीर को छोड़ते समय आप कैसे जाने जाते हैं, साधना करने वाले लोगों के लिए इसको भी आप कृपया बताएं। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीत। अर्थात अक्षर जो अविनाशी है वही तत्व परब्रह्म परमेश्वर है, आत्मा जो स्वयं से है वही अध्यात्म है, और सृष्टि के प्रारंभ में महासर्ग के प्रारंभ में जीवों को जो कर्म से जोड़ा गया अर्थात शरीर दिए गए और वे संसार में कर्मरत हुए, इसी को कर्म कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूत उसे कहते हैं जो क्षर है, नष्ट होने वाली चीजें हैं। पुरुष अधिदैवतम, और जो पुरुष है अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में जो प्रकट हुए सृजन करने के लिए, वे ही ब्रह्मा जी अधिदेव हैं। आगे फिर बताया गया, अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देह भृताम वर, मैं ही इस देह के अंदर अंतर्यामी अधियज्ञ परमेश्वर हूं। तो जैसे प्रश्न किए गए वैसे उत्तर यहां दिए गए हैं, लेकिन इन पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे ये समझ में नहीं आएंगे। हम चिंतन कर रहे थे कल, जो अक्षर है नष्ट नहीं होता, जो सर्वोच्च सत्ता है सदा से जो था सदा जो है और सदा जो रहेगा, जो निर्गुण निराकार अनश्वर सर्वोच्च अविनाशी तत्व है जिसे अनिर्वचनीय कहा जाएगा, जो सर्वशक्तिमान है, जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, जो दयालु न्याय करने वाला कृपालु है, उसी स्वरूप को हम परब्रह्म कहते हैं। उसका विस्तार ये समस्त संसार है, ब्रह्मांड उसके अंदर है और वो ब्रह्मांड के अंदर है, लेकिन हमारी कल्पना शक्ति केवल ब्रह्मांड तक ही जाती है। मनुष्य बहुत दूर तक नहीं देख सकता, हमारी देखने की शक्ति बहुत छोटी सी है,
लेकिन यदि हम किन्हीं यंत्रों के माध्यम से संसार को देखने की कोशिश करें तो जितना हम देख सकते हैं वो भी एक आश्चर्यजनक चीज हो जाएगी। पर फिर भी एक बात ध्यान रखने की, हम कितना भी देखें तो भी हम यही कहेंगे कि तेरा पार नहीं पाया जा सकता। उपनिषदों में ये जो नेति शब्द का प्रयोग किया गया, बताया गया कि ये है क्या परमेश्वर, ऐसी महिमा वाला, इस तरह का, इतने विस्तार वाला। तो उपनिषदों ने वहां पर एक शब्द प्रयोग किया, नेति नेति नेति, यही नहीं यही नहीं, इससे भी कहीं कुछ अलग, क्योंकि उसके संबंध में संपूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता। हमारा ये ब्रह्मांड देखा जाए तो इस ब्रह्मांड के अंदर धरती भी एक गेंद की तरह ही अपने स्थान पर घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है। 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। आप सोचिए कितनी तीव्र गति है इसकी। लेकिन जिस धरती पर हम बैठे हुए हैं, ये अगर 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है तो क्या हमें ऐसा एहसास होता है कि धरती हिल रही है? यही तो उसका सबसे बड़ा चमत्कार है। जहाज जब वायुयान अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है, पानी का गिलास भी आपने रखा हुआ है तो वो पानी का गिलास का पानी भी हिलता हुआ नजर नहीं आता, तब ये आश्चर्य होता है कि क्या हवाई जहाज चल भी रहा है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मनुष्य का बनाया हुआ यान, इसमें कहीं किसी प्रकार का प्रकंपन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी बादल आगे आ जाए और घोषणा की जाए कि कृपया अपनी अपनी पेटियां बांध लीजिए, तो उसका मतलब है कि अब हिलने वाली स्थिति आ गई। किसी न किसी रूप में व्यवधान पड़ ही जाता है। लेकिन जरा सोच करके देखिए परमेश्वर की व्यवस्था कितनी सुंदर है, उसका सिस्टम कितना बढ़िया है, जहां किसी भी प्रकार का कोई विघ्न और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। उसे कहा गया वो सर्वोच्च सत्ता है, इतनी महान सत्ता कि जिसके साम्राज्य में कहीं किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, विघ्न बाधा नहीं है। विघ्न बाधाएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं में हैं। मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं जितनी भी हैं वो कभी भी संपूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकती, उसमें दोष रहेगा। मनुष्य अल्पज्ञ है, हम सभी जितने भी देहधारी मनुष्य हैं, जीवात्माएं, हम अल्पज्ञ हैं। परमेश्वर सर्वज्ञ है, हमारे समस्त कार्य जितने भी हम करते हैं वे भी संपूर्ण नहीं है, उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा ही रहेगी। हमारी रचनाओं में, हमारे सृजन में ये नहीं कहा जा सकता कि ये संपूर्ण है, उसमें सुधार की स्थितियां बनी रहेंगी। और इसलिए मनुष्य जो भी सृजनशील है, निर्माण करने के बाद अपनी कृति से कितना भी संतुष्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये जरूर कहेगा कि अभी मैं इससे अधिक और अच्छा कुछ बना सकता हूं। उसमें ये संभावनाएं रहेंगी और यही उसके विकास का क्रम है, क्योंकि पूर्णता की ओर जा रहा है। जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे सीखते रहेंगे, पहले से कुछ और अच्छा करते रहेंगे, लेकिन पहले से कुछ और अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो हम अपने परमात्मा की शरण की तरफ बढ़ रहे हैं।
और अगर सृजन में सुधार जारी नहीं है, सुव्यवस्था करने के लिए हम तत्पर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी उन्नति की गेंद अब ऊपर नहीं जा रही, वो नीचे की तरफ आने लगी है। सुधार और विकास का क्रम चलना चाहिए। तो कहा गया है कि अक्षर ही परम ब्रह्म है, अर्थात परब्रह्म को अक्षर कहा गया, जो नष्ट नहीं होता, जो सदा है और रहेगा, लेकिन वो सर्वोच्च सत्ता है, उससे बढ़कर संसार में कोई और सत्ता नहीं है, उसी का शासन सब जगह चलता है। वेदों को अगर पढ़िए तो वहां पर लिखा, मृत्यु ऋषि द्विपदाम, मृत्यु ऋषि चतुष्पदाम, मृत्यु का नियम बन करके वही सर्वोच्च सत्ता, परिवर्तन का नियम बनकर वही संपूर्ण सबसे बड़ी सत्ता, सारे संसार में सब पर शासन करती है। परिवर्तन का सिद्धांत लेकर आई है, हर चीज को बदलती जाती है, इसलिए उसे परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार है। अगर हमें शरीर दिया है उसने, तो ये उसकी अमानत है। उसने साधन दिए, उसकी अमानत है, समय पर वो वापिस लेगा, शरीर को बदलेगा। उसको अधिकार है कि वो इसको सजाता भी है और फिर इसको पकाता भी है, फलों को रस देकर अच्छी तरह सुंदर बनाता है, पकाता है, फिर फल सिकुड़ने लगते हैं। वृद्धावस्था पके हुए फल का सिकुड़ना है। अब उस फल को देखकर ये आश्चर्य होता है कि ये फल कभी किस रूप में था और आज किस रूप में है। व्यवस्थाएं सारी उसके हाथ में है, इसलिए उसे कहा है कि वो सर्वोच्च सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, और हम समस्त लोग, समस्त ब्रह्मांड उसके नियंत्रण में है, और उसका नियंत्रण पूरी तरह से ऐसा अनोखा, मतलब पकड़ इतनी मजबूत है, उस नियंत्रण से कोई बाहर नहीं हो सकता, पकड़ से छूट नहीं सकता। आना और जाना उसकी व्यवस्था है, ना हम अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी जाएंगे, व्यवस्था उसके हाथ में है। जब भेजा था आ गए, और जब बुलाएगा जाना पड़ेगा। कितना भी अगर हम कहें कि हे परमात्मा, एक सेकंड का लाखवा हिस्सा और हमें जीने के लिए देना, लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि अवधि समाप्त, धर्मशाला खाली करो, अब धर्मशाला का मालिक बोल देगा, जो तुम्हें टेबल दी, कुर्सी दी, सोने के लिए बहुत सुंदर बिस्तर दिया, खाने पीने के पदार्थ दिए, सेवा के लिए नौकर चाकर दिए, सब छोड़ो और बाहर हो जाओ। और यहीं तक नहीं, चार्ज देना पड़ेगा तुम्हें, जितनी जितनी चीजें तुम्हें दी गई थी सारी ही चीजें वापिस करनी है, और सारी चीजें वापिस करेगा व्यक्ति, कुछ भी साथ नहीं ले जाता। हाँ, जाते समय ये जरूर कोशिश करता है, धर्मशाला के मालिक को खुले हाथ दिखा देता है कि भाई नहीं ले जा रहा हूं कुछ भी, आपकी धर्मशाला में से कोई चीज नहीं ले जा रहा हूं। क्योंकि विधाता भी जानता है कि जब ये दुनिया में आया था, हर चीज को पकड़ता था, मुट्ठी बंद करता था, जरूर कुछ ना कुछ साथ लेके जा रहा होगा, चोरी करने में कसर नहीं छोड़ी इसने, तो पूरे कपड़ों की तलाशी ली जाती है, इसलिए कपड़े भी ऐसे दिए गए, कफन में जेब नहीं होती है, साथ बांध के ले जाने की कोई गठरी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एक ही कपड़ा डाल दिया ऊपर, खुले हाथ, जैसा आया था वैसा ही जा रहा है, आते हुए मुट्ठी बंद थी, भाग्य साथ लेकर आया था,
जाते हुए हाथ खुले दिखा दिए, नहीं ले जा सकता कुछ भी, न ले जा रहा हूं, धर्मशाला छोड़ दी वैसी। हां एक चीज मन में रह जाती है, अगर धर्मशाला का मालिक कठोर ना होता, थोड़ी देर हमें मालिक बनने ही देता तो कितना अच्छा होता। हमारे मन में कुछ भी भाव बना रहे लेकिन हमने उपयोग और उपभोग करने का अधिकार खो दिया। जितने समय की अवधि दी गई थी उपयोग करना था। व्यवस्था परमात्मा की अनोखी है, कितनी भी हम कोशिश करें और कितना भी जोर लगाएं, अगर हम ये चाहेंगे कि उसको पकड़ पाए, देख पाए कैसा है, किस तरह का है, बस यही आकर वो बात समझने की है। कल के चिंतन में हमने इसलिए आपसे कहा था, वो अगोचर है, इंद्रियां उसे नहीं पकड़ सकती, आंखें नहीं देख पाएंगे, कान सुन नहीं पाएंगे, जीभ उसे चख नहीं पाएगी, वो हमारे किसी स्पर्श में आ नहीं पाएगा, उस महान सुगंध को ये नाक सूंघ नहीं पाएगा। बुद्धि की पकड़ से, मन की पकड़ से, मन की कल्पनाओं से बहुत दूर, केवल अनुमान लगाने की व्यवस्थाएं हैं। अनुमान भी साधारण चीज नहीं, अनुमान लगाइए, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर धरती भी एक गेंद की तरह घूम रही है, परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है। समस्त नक्षत्र हैं, कितने सारे नक्षत्र कल्पना नहीं कर सकते आप, एक आकाश गंगा में खरबों नक्षत्र, अनेकों सूर्य, गिनती नहीं गिनी जा सकती। आकाश गंगाएं भी एक नहीं अनेक हैं, कहां तक मनुष्य कल्पना करेगा, कितनी दूरी पर सूरज चमक रहा है। अगर सूरज का प्रकाश धरती पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं तो इससे भी अंदाज लगाइए कि इस प्रकाश की गति कितनी तीव्र है। 1 सेकंड में 1,86,000 मील 1 सेकंड में प्रकाश की गति है। 1 सेकंड में प्रकाश 1,86,000 मील 1 सेकंड में चलता है प्रकाश। तो कितनी दूरी से प्रकाश आ रहा है और आपको जब पता लगता है सूरज निकला तो 8 मिनट 18 सेकंड हो चुके होते हैं। इतनी ऊंचाई पर व्यवस्था की है परमात्मा ने, लेकिन कमाल है उसका। कक्षा में जहां स्थापित किया है सूर्य को, उससे अगर 2-4 अंश नीचे आ जाए तो यह धरती और इस पर बसने वाला इंसान इंसान नहीं रह पाएगा, जी नहीं पाएगा। और 2-4 अंश और ऊपर चला जाए तो भी नहीं जी पाएगा इंसान। नीचे आ जाए धरती जल जाए, इंसान जले, और थोड़ा ऊपर चला जाए बर्फ हो जाएगी चारों तरफ। चंद्रमा जहां पर है अगर उससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो जब चंद्रमा अपनी संपूर्णता पर आता है समुद्र का क्या हाल होता है, इतना ज्वार आएगा, ऐसा उछलता है। कुछ दिन पहले आप समुद्र के किनारे खड़े हों और जिस समय पूर्णमासी हो उस समय खड़े होकर देखें, वहां खड़े नहीं हो सकेंगे। जिस समय ज्वार आता है समुद्र के अंदर, बड़े बड़े जहाज हालत ही अलग हो जाती है, और बाद में ज्वार के बाद भाटा आता है, फिर उतार होता है। परमात्मा ने हर चीज की व्यवस्था बांधी है। चंद्रमा के माध्यम से फलों में रस आता है, सूरज के माध्यम से पकता है,
सूरज ऊष्मा भी देता है लेकिन साथ में प्रकाश रास्ते भी दिखाता है। लेकिन सूरज में भी प्रकाश किसकी व्यवस्था से है? उस परब्रह्म के संबंध में जितना सोचते जाएंगे आश्चर्य होगा।